हे गाइज, वेलकम बैक माई चैनल। मैं मनोज प्रधान आपको स्वागत करता हूँ जीपीएस मास्टर मनोज में। आज हम मारुति सुजुकी डिजायर में जीपीएस इंस्टॉल करेंगे विदाउट डिले। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है, इस तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ एक बार दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, फुल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टेयरिंग है, ये स्टेयरिंग के नीचे यहाँ पर चाबी रहता है, इसके नीचे ही हम इसका कपलर में जीपीएस लगाएंगे। चलिए उसको अभी खोलते हैं। देखिए ये कवर है, इसमें दो नट दिया हुआ है, एक इधर है एक उधर है। ये दोनों नट को निकालने से ये निकल जाएगा। अभी इसमें एक ही नट है, ये नट को खोलने से ये कवर रिमूव हो जाएगा। देखिए इसका चाबी का कपलर है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको खींचने से ये निकल जाएगा आराम से। देखिए आराम से निकल गया। अभी देख सकते हैं इसमें 6 वायर है, इस तरफ का 3 है, उस तरफ का 3 है। चलिए इसमें हम चेक करते हैं, इसमें मेन करंट 12 वोल्ट का किसमें आता है और इग्निशन का करंट किसमें आता है, फिर इसमें इंस्टॉल करेंगे जीपीएस। देखिए अभी ये मल्टीमीटर है, इसमें डेसिबल 20 में रख लीजिए। अभी इसको चेक कर रहे हैं कौन सा मेन वायर है जो 12 वोल्ट का करंट आ रहा है, डायरेक्ट करंट कौन सा है। देखिए ये डायरेक्ट करंट आ रहा है, 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। अभी इसमें जो ग्रे कलर का वायर है उसमें देखिए 12 वोल्ट का करंट आ रहा है, ये डायरेक्ट करंट है। इसमें इग्निशन का करंट कौन सा है वो भी चेक कर रहे हैं। अभी देखिए इग्निशन का करंट चेक कर रहे हैं। अभी देखिए जो ग्रीन कलर का वायर है उसमें 12 वोल्ट का करंट है। अभी चाबी को ऑफ करेंगे, देखिए यहाँ से करंट कट चुका है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इग्निशन का करंट। अभी चाबी ऑन करेंगे, देखिए 12 वोल्ट का करंट आ रहा है, तो इग्निशन का करंट है। देखिए जीपीएस का कनेक्टर है, इसमें 4 वायर देता है, एक रेड कलर का है, ब्लैक का है, येलो और ऑरेंज का है, ये 4 कनेक्टर है। देखिए जो जीपीएस कनेक्टर का जो रेड कलर का वायर है, अभी अभी इसमें देखिए जो कपलर का जो ग्रे कलर का वायर है, फर्स्ट नंबर पे मेन करंट है 12 वोल्ट का, तो इसी में हम क्लिपिंग करेंगे। इसमें हम किसी प्रकार का वायर कटिंग नहीं कर रहे हैं, अगर वायर कटिंग होगा तो क्लेम में प्रॉब्लम होगा, तो इसी में ही हम क्लिप कर रहे हैं। देखिए इस कनेक्टर का जो ऑरेंज कलर का वायर है, अभी कपलर में जो ग्रीन कलर का वायर है वो इग्निशन स्टार्टर का वायर है, हम इसमें ही इसमें दे रहे हैं, क्लिप कर रहे हैं। चलिए ये कनेक्शन हो गया है, अब ये कनेक्शन को हम देखिए क्लिपिंग कर चुके हैं, बस इसका कनेक्शन अभी रेडी है। अभी इसमें जो येलो कलर का वायर है वो अभी नहीं लगेगा क्योंकि ये रिले स्टार्टर्स का वायर था, अभी इसमें रिले इंस्टॉल नहीं हो रहे तो ये वहीं पर हम इसको टैग करके रख देंगे। अभी जो ब्लैक कलर का वायर है वो अर्थिंग का है, वो ग्राउंड का वायर है। देखिए गाड़ी में अर्थिंग जहाँ पर मतलब ग्राउंड जहाँ पर प्रॉपर आ रहा है उसी में ही कनेक्ट कीजिए। देखिए ये जो ग्राउंड का कनेक्शन है, अर्थिंग का कनेक्शन है, हमने यहाँ पर दे चुके हैं, अभी ये कनेक्टर हो चुका है, इसका जो भी कनेक्शन था अभी बराबर हो चुका है। चलिए अभी इसमें जीपीएस क्लिप करेंगे, इसके बाद जीपीएस एक्टिव करेंगे, फिर इसको प्लेस करेंगे। देखिए अभी क्लिपिंग कर चुके हैं, अभी इसमें एक स्विच है, इसमें एयरटेल का सिम डला हुआ है, ये बोस्ट्रा का जीपीएस है जो कि ब्लैक बक का है, हम इसमें ब्लैक बक का जीपीएस इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए स्विच को हमने ऑन कर चुके हैं, इसमें लाइट भी ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये कनेक्शन बराबर है। चलिए इसको अभी एक्टिव करते हैं, फिर इसको इंस्टॉल करें। अभी जीपीएस एक्टिव हो चुका है, उसका जो भी कनेक्शन था बराबर दे चुके हैं, अभी इसको यहाँ से टाई देके अच्छे से प्लेस करेंगे, इसको भी यहाँ से टाई देके अच्छे से प्लेस करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोबारा वीडियो में।